नक्सलियों के लगाए आईईडी ब्लास्ट से एक जवान घायल। आईटीबीपी 43 बटालियन का एक जवान हुआ घायल, जिला अस्पताल लाया गया, उपचार जारी। मौके से एक और जिंदा आईडी बरामद। नारायणपुर के नक्सल प्रभावित ग्राम सोनपुर मुख्य मार्ग में ग्राम मुरहा पदार के पास नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से हुआ घायल। चुनाव से पहले बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। एसपी पुष्कर शर्मा ने की पुष्टि। सर, कल मतदान होना है, उससे पहले नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जवान घायल हो, क्या किस तरह की घटना थी? बेसिकली आज दिनांक 6 नवंबर 2023 को जिला नारायणपुर के थाना सोनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरहापदर में नक्सलियों के द्वारा जो है सुरक्षा बल और आम जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आईटीबीपी की टीम जो है सोनपुर से रवाना हुई थी और क्षेत्र में डिमाइनिंग की कार्यवाही की गई। और डिमाइनिंग के दौरान जो है मुख्य मार्ग पर मुरहापदर के पास में जो है एक आईडी मिला, जिसे बीडीएस टीम को मौके पर बुलाकर जो है नष्टीकरण की कार्यवाही जो है सुरक्षित ढंग से की गई है। और नष्टीकरण की कार्यवाही के दौरान जो है आईटीबीपी का एक जवान आमिर खान जो है उनके पैर में जो है मामूली चोट जो है आई हुई है, जिनका इलाज चल रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा बल के द्वारा जो है सर्चिंग गश्त किया जा रहा है। तो चुनाव को दिख नहीं डालने के लिए नक्सली लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस द्वारा क्या किस प्रकार की कार्रवाई? बेसिकली जिले के जो अलग अलग क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों पर जो है आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का जो है आकलन पूर्व में किया गया और उसके आधार पर जो है संबंधित क्षेत्रों में जो है सुरक्षा बलों को जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है जो मुखबिर तंत्र है उसको भी काफ़ी लंबे समय से जो है सक्रिय किया गया है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको जो है शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जो है सभी जो तैयारी हैं पुलिस के द्वारा जो है कर ली गई है।